चलो आगे बढ़ते हैं फिजिक्स में। हाँ कुछ लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जैसे एप्लीकेशन पे आप लोग ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करने लग जाते हो जो कि हमारे पक्ष में नहीं होता है, तो आपको तुरंत ब्लॉक कर देता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बहुत सेंसिटिव होता है, जहाँ आप थोड़ा स्क्रीन शॉट या कुछ ऐसी चीज़ें करने लग जाते हो जिससे वो जो है ब्लॉक कर देता है, इसका ना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो आपके पास वार्निंग करके मैसेज आता है, तो उसको मेरे साइड से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो दिन में मैं कई बार वही चेक करते रहता हूँ, एक इसका किसी का ब्लॉक हुआ है कि इसका नहीं हुआ है, जो मेरे में आ जाता है पता चल जाता है उसको मैं अनब्लॉक कर देता हूँ, और जिसको पता नहीं चल पाता है एक क्लास के बीच में हो जाता है, अब उसको मैं जब तक मेरे ध्यान में नहीं आएगा, मेरे मेरे को कोई बताएगा नहीं, तब तक मैं उसको अनब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। तो अगर कोई ऐसा ग्रुप में मैसेज करता है और आपके पास पता चल जाता है तो मेरे को बता दिया करें ताकि वो भी क्लास ले पाएँ, और ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो थोड़ा देख के भी किया करें, क्योंकि वो सेंसिटिव चीज़ है, वो आपको तुरंत ब्लॉक कर देता है। क्या पूछ रहे हैं, सदिश और अदिश का गुणनफल क्या होता है? ये तो हमने क्लास में किया था और आपने तो भेजा भी है शायद तक। सदिश और अदिश का गुणनफल तो अदिश होता है, मैंने कल के क्लास में बताया था ना, अदिश और अदिश का गुणनफल अदिश होता है, अदिश और सदिश का गुणनफल अदिश होता है, और सदिश और सदिश का गुणनफल सदिश होता है। कल के क्लास में हमने बात किया था अदिश और अदिश का गुणनफल अदिश होता है ना, अदिश और सदिश का गुणनफल अदिश होता है, और सदिश का गुणनफल सदिश होता है। ठीक है, उसको मैं देखता हूँ। ठीक है, आपने मेरे को भी पर्सनल भेजे थे। हाँ ठीक है, मैं देख लूँगा प्रीति मैम, देख लूँगा, है ना। चलो उसको देख लेते हैं कि क्या चीज़ का इशू है, उसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल के क्लास में मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी दिए हुए थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बताए हुए थे। अब हम पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन। कल में हम लोगों ने दूरी और विस्थापन हमने पढ़ा हुआ था। अगर हम उसके वो बात करेंगे, उनके बीच के डिफरेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंस की बात करेंगे, उनके अंतर की बात करेंगे दूरी और विस्थापन में, तो कुछ अंतर हैं दूरी और विस्थापन में, कुछ अंतर हैं। जैसे पहला अंतर तो यही हो जाता है कि दूरी जो है वो केवल और केवल परिमाण को मापता है, कितना दूर गए हो उसको मापता है, जबकि विस्थापन जो होता है दूरी परिमाण के साथ साथ विस्थापन को ही मानता है, परिमाण के साथ साथ दिशा को भी मापते हैं, परिमाण के साथ साथ दिशा, परिमाण के साथ साथ दिशा, है ना। कल के क्लास में चीजें हो गया था, बस उसको एक लाइन में बस लिखा रहा हूँ, बाकी और नहीं, आगे हम करेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सुदीश 1300 जी गूगल में, ठीक है देख लेंगे उसको। ठीक, दूसरा नंबर की बात करेंगे तो दूरी जो होता है वो हमेशा धनात्मक होगा या तो शून्य होगा, या तो धनात्मक होगा कितना दूर जा रहे हो तो पॉजिटिव में रहेगा, 5 किलोमीटर आगे जा रहा हूँ पॉजिटिव में होगा, नहीं जा रहा हूँ तो शून्य होगा, नहीं जा रहा हूँ तो शून्य होगा, तो धनात्मक या शून्य हो सकता है। अगर मैं चल रहा हूँ यहाँ से दुर्ग से, मैं अगर कहीं जा रहा हूँ तो मैं पॉजिटिव में आऊँगा, अगर मैं नहीं जा पा रहा हूँ वहीं रहूँगा, जीरो रहूँगा। लेकिन विस्थापन ऐसा नहीं है, कोई आदमी जो होता है वो बढ़ने के साथ साथ घटने में भी होते हैं। किसी देखना, किसी व्यक्ति को हम बोलते हैं कि जो आदमी है, जो व्यक्ति है, वो दिन ब दिन घट रहा है, वो उसका विस्थापन है, वो ऋणात्मक भी हो सकता है। तो याद रखना, विस्थापन जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, विस्थापन जो है ऋणात्मक भी हो सकता है, विस्थापन जो है ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो ये बात आपको याद रखना है, चूंकि इसमें दिशा की बातें हो जाती है ना, दिशा की बातें हो जाती है, तो इस वजह से इसमें ऋणात्मक के साथ साथ शून्य भी हो जाता है। सर जी कल का एक दो न्यूमेरिकल फिर से कराएं ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा ना जी, आप लोग टेंशन ना लो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, नए क्वेश्चन कराऊंगा, पुराने क्वेश्चन जो है वो मैंने कल बता दिया था। ज्यादा अगर दिक्कत होता है, किसी समझना होता है तो लाइव रिकॉर्डेड क्लास इसमें रहता है, आप उसमें देख लेना, बाकी मैं बता दूंगा अभी करते करते, मैं कल वाला भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मैं बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझना है तो कल वाले क्लास को जाकर देखिए, रिकॉर्डेड क्लास में पूरा चीज़ें रहती हैं। अच्छा, अगर हम इसकी बात करेंगे तो दूरी चूंकि वो केवल केवल परिमाण है, दिशा नहीं है, तो यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है, अदिश राशि है, और इसकी बात करेंगे चूंकि इसमें जो है परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, इस वजह से यह सदिश राशि है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, इस वजह से सदिश राशि है। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने कल के क्लास में कर लिया था,
ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने किया हुआ था और साथ में इसको भी हमने बात किया था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के हम बात करेंगे चाल का, आगे बात करेंगे चाल का। जब गणित पढ़ते हैं, जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो चाल और वेग दोनों को समान समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं लगता, दोनों बराबर मानते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता, हम दोनों को एक जैसे मानते हैं चाल और वेग। लेकिन जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो चाल और वेग में थोड़ा अंतर आ जाता है। हमको पता है कि चाल जो होता है वो कुछ समय में तय की गई दूरी को ही चाल बोलते हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब चाल बराबर हम सबको पता है, बताइए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे विस्थापन। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे विस्थापन। आपने मैथ्स में भी इसको पढ़ा है, रेलगाड़ी धारा नाम, समय दूरी में भी इसको पढ़ा है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे विस्थापन होता है। मतलब इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक आपको सबको पता है कि दूरी का मात्रक जो होता है मीटर होता है। यार दूरी बटे विस्थापन बोल रहा हूँ, दूरी बटे समय, यार ध्यान विस्थापन जा रहा है, दूरी बटे समय। हमको दूरी का पता है, आपको क्या होता है? मीटर। समय का होता है सेकंड। इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। ये सही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। अब आप ये बताइए, आप लोग मेरे को बताइए, ये अधिश राशि होगा कि सदिश राशि? आप लोग मेरे को बताइए अधिश राशि है कि सदिश राशि? सर इसका भी PDF भेज दोगे व्हाट्सएप में? अरे भैया, आज सचिन भैया आपका पहला क्लास है यार, आप इतना हड़बड़ाओ मत ना, आज पहला क्लास है आपका सचिन। आपने 5:29 को भी फोन कर दिया था, याद है आपको? 5:28 से 5:29 को भी फोन कर दिया था। अरे 5:30 तो होने दो क्लास को, आज पहला क्लास है और आप फोन PDF और ये सब चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं उसको, देखो उनको थोड़ा सा, उनका अनुसरण करो यार थोड़ा, कितने बढ़िया से लोग पढ़ते हैं। बिल्कुल सही है, बाकी लोग को दिक्कत ना होना चाहिए ना। तो देखो चूंकि इसमें क्या जा रहा है, दूरी है, दूरी है। कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो दूरी होता है वो अधिश होता है, विस्थापन होता है वो सदिश होता है। इस वजह से इसका जो है ये एक प्रकार का आप देखेंगे वो अधिश राशि है। ये कैसी राशि है? अधिश राशि है। ये कैसी राशि है? अधिश राशि है। ठीक है, तो ये बात आपको जाननी चाहिए, ये कैसी राशि है? अधिश राशि है। तो भैया चाल और वेग में क्या अंतर है? जैसे हम लोगों ने दूरी और विस्थापन में अंतर किए, उसी तरीके से चाल और वेग में क्या अंतर है? चाल और वेग में क्या अंतर है? चाल और वेग में क्या अंतर है? जिस प्रकार से भी हम लोगों ने दूरी और विस्थापन में अंतर किए, उसी तरीके से हम चाल और वेग में भी हम अंतर कर लेंगे, चाल और वेग में भी अंतर कर लेंगे। सीधी सी बात है, दूरी जो है, सॉरी चाल जो है वो, जैसे अभी हम थोड़ा देर पहले बात किए थे कि वो एक अधिश राशि है, उसी तरीके से ये भी जो है वो अधिश राशि होगा, और वेग जो है वो अधिश राशि ना होकर ये जो है सदिश राशि होगा। ये कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगा। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। लेकिन ये जो होगा विस्थापन बटे समय होगा, ये चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। और इसमें आप देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बटे समय होता है, विस्थापन बटे समय होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय होता है। वेग मतलब विस्थापन बटे समय, वेग मतलब विस्थापन बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, आप बताइए चाल बड़ा हो सकता है कि वेग बड़ा हो सकता है? चाल ज्यादा बड़ा हो सकता है कि वेग बड़ा हो सकता है? बताइए चाल बड़ा हो सकता है कि वेग बड़ा हो सकता है? दोनों में से कौन बड़ा हो सकता है? चाल बड़ा होगा कि वेग बड़ा होगा? चाल बड़ा होगा कि वेग बड़ा होगा? चाल बड़ा होगा कि वेग बड़ा होगा? बताइए चाल बड़ा होगा कि वेग बड़ा होगा? वी 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 चाल, भारती मैम चाल, आकांक्षा मैम चाल, प्रीति साहू चाल, रहीराज निषाद चाल, बहुत सही है। दूरी और विस्थापन में लास्ट क्लास में हमने बता दिया था कि दूरी जो होता है वो विस्थापन से लंबा होता है। जब दूरी जो है लंबा होता है तो भैया चाल भी लंबा होगा। तो चाल की बात करेंगे तो चाल जो है, चाल ये बड़ा होता है विस्थापन वेग से, और इसमें आप बात करेंगे वेग जो है वो चाल से जो है वो कम होता है। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के पहले एक फार्मूला वेग का भी लिख लीजिए, एक फॉर्मूला वेग का भी लिख लीजिए। विस्थापन बराबर वेग, सॉरी वेग बराबर, वेग मतलब वेलोसिटी बराबर, वेग मतलब वेलोसिटी बराबर, एक हम जो है वेलोसिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसको आप लोगों ने लिख लिया था ना, ये तो लिख लिए थे।
चाल बराबर चाल और वेग, अदिश सदिश, ये सारा चीज को कर लिए थे। थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पिछले बार अच्छा दबा के पूछा था, अच्छा आया था। तो ये बात आप देखेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, वेग की बात करेंगे। तो आपको मैंने बताया था उसमें लिखे थे चाल में एकांक समय में तय की गई दूरी, अगर हमको आपको याद होगा तो चाल बराबर हम जब लिखे थे तो हमने लिखा था एकांक समय में तय की गई दूरी को बोलते हैं, इसमें एकांक समय में तय की गई दूरी को। और यहाँ में एकांक समय में तय की गई दूरी को नहीं बोलेंगे, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को बोलेंगे। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं, को वेग कहते हैं। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। इस तरीके से देखा जाए, इस तरीके से देखा जाए तो वेग बराबर दूरी बटे समय ना होकर वेग बराबर विस्थापन बटे समय होगा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होगा। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, इतना अच्छा अच्छा चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। आगे चलकर आपको बहुत अच्छा अच्छा चीज बताऊंगा, बर्नौली का प्रमेय, आर्किमिडीज का सिद्धांत, श्यानता, पृष्ठ तनाव, अरे जबरदस्त, प्रकाश, आपको मैं विद्युत एकदम मस्त से बता दूंगा। आप लोग बस थोड़ा सा संयम रखिए, है ना। जैसे नए लोग, खासकर पुराने लोग तो दो दिन होंगे उनको अब आइडिया हो चुका है, नए लोग संयम रखें और बिल्कुल अच्छे से पढ़ते जाइए। जो लोग बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे वो लोग भी जो है बढ़ा बढ़ा के नहीं देखना, बिल्कुल बढ़िया से लिखते हुए पढ़ते हुए चलना, ठीक है, स्पीड बढ़ा के नहीं करना। अच्छा आप मेरे को बताइए इसका एसआई मात्रक क्या होगा, आप लोग बताइए इसका एसआई मात्रक क्या होगा, इसका एसआई मात्रक क्या होगा बताइए, इसका एसआई मात्रक क्या होगा बताइए जल्दी, इसका एसआई मात्रक क्या होगा जल्दी बताइए, इसका एसआई मात्रक क्या होगा जल्दी बताइए, इसका एसआई मात्रक क्या होगा जल्दी बताइए, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ, इसका एसआई मात्रक क्या होगा। प्रीति साहू मीटर, इसका एसआई मात्रक क्या होगा जल्दी बताइए, इसका एसआई मात्रक क्या होगा। चंद्रकांत, चक्रधर मीटर पर सेकंड, रहीराज निशान मीटर पर सेकंड, भारती मीटर पर सेकंड। सीधी सी बात है, ठीक है, बिल्कुल सही है। समय तो आपको पता है टी, समय क्या है आपका टी, विस्थापन क्या है, विस्थापन तो दूरी जैसे ही तो विस्थापन हो सकता है, दूरी जबकि ज्यादा हो सकता है लेकिन विस्थापन भी। जैसे मैं आपको कल के क्लास में बताया था कि अगर मैं वहां से घूम के, अमेरिका से घूम के अगर मैं दुर्ग में रहता हूँ, मैं दुर्ग से रायपुर गया, रायपुर से बम्बई गया, बम्बई से अमेरिका गया, अमेरिका से भिलाई आ गया, तो मेरी विस्थापन कितनी हुई, तो 10 किलोमीटर ही मेरी विस्थापन हुई। तो जो मीटर ही होता है वही तो विस्थापन होता है, तो इसका भी मात्रक जो होता है वो आपका मीटर पर सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड होगा। तो इसका भी मात्रक जो होगा वो मीटर प्रति सेकंड होगा, इसका भी मात्रक क्या होगा मीटर पर सेकंड होगा। क्योंकि अंतर यहाँ पे चाल और वेग में अंतर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है उसमें, अर्थात दूरी बटे समय, इसमें विस्थापन बटे समय। दूरी को भी मीटर से मापते हैं, विस्थापन को भी मीटर से मापते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं, दूरी को भी मीटर से मापते हैं, विस्थापन को भी मीटर से मापते हैं। अब इस वेग का दो कहानी होता है, इस वेग के दो कहानी है, इस वेग के दो कहानी है, इस वेलोसिटी के दो कहानी है, इस वेग के दो कहानी है। एक तो प्रारंभिक रहेगा, मैं शुरुआत कर रहा हूं तो प्रारंभिक वेग रहेगा, शुरुआती दौर रहेगी, स्टार्टिंग में रहेगी, और आगे चलकर जब मैं दम लास्ट में होऊंगा तो मेरा अंतिम वेग रहेगा, अंतिम वेग रहेगा, लास्ट लास्ट है। अगर आप अभी दौड़ने निकले हो शुरू कर रहे हो तो आपका प्रारंभिक वेग रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, ठीक है। अगर आप दौड़ने अभी निकले हुए हो तो आपका इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, और अगर आप जो है लास्ट लास्ट में पहुंच रहे हो, मतलब लास्ट लास्ट में पहुंच रहे हो मतलब आप एकदम पहुंचने ही वाले हो जहां पे आपको पहुंचना है, तो आपका फाइनल वेलोसिटी रहेगा, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी रहेगा। आप बताइए जब मेरी अवस्था, जब मैं एकदम अभी बैठा हुआ हूँ, ठीक है, बैठा हुआ हूँ, अब मैं चलने वाला हूँ, तो आप बताइए मेरी प्रारंभिक वेग क्या होगी। मैं आपका कमेंट देख पाऊंगा, मेरी प्रारंभिक वेग क्या, योगिता में मीटर पर सेकंड सही है, मेरी प्रारंभिक वेग क्या होगी। अभी मैं बैठा हुआ हूँ, आप लोग भी बैठे हुए हो, अब आप चलने वाले हो, अब आप उतर निकल के आप रायपुर जाने वाले हो, आपकी क्या वेग होगी। दामिनी मैम 0, आकांक्षा मैम 0, जयसा 0, सुमन भैया 0, भारती 0। आप अभी बस जस्ट निकलने वाले हो, आप अभी आप जस्ट निकलने वाले हो,
अभी आप जस्ट निकलने वाले हो, आपकी स्पीड अभी आप कोई भी आदमी जब शुरू करता है तो जीरो स्टार्ट से शुरू करता है। आप भी जन्म लिए होगे, उसके बाद आपने जो भी काम कर रहे होगे वो जीरो से काम कर रहे होंगे। कोई बोलते हैं ना, मैं जीरो से उठा हुआ हूँ, मैं जीरो से कमाऊंगा, मैं जीरो से शुरुआत करूंगा। बोलते हैं ना, आपसे मैं एक तारीख है 1 जनवरी, अब मैं जीरो से शुरुआत करने वाला हूँ, जीरो से मतलब यहाँ से शुरुआत करूँ, मेरी शुरुआत जो है वो जीरो से है। तो याद रखिएगा, प्रारंभिक वेग की बात करेंगे तो इसमें जो वेग होगा विराम से चलने पर जो वेग होगा यू जो है वो जीरो रहेगा, यू क्या हो जाएगा जीरो रहेगा। अब आप ये बताइए, अब ये बताइए, मैं निकल गया हूँ रायपुर के लिए, या रायपुर से निकल गया हूँ, चलो रायपुर, चूंकि आप सब लोग रायपुर जानते हैं, रायपुर से निकल गया हूँ, रायपुर से निकल गया हूँ तो मेरी प्रारंभिक वेग जीरो। मैं अब रायपुर से निकल के भिलाई पहुँच गया हूँ, रायपुर से पहुँच के भिलाई पहुँच गया हूँ, अब पहुँच के मैं ब्रेक लगा दिया हूँ, तो बताइए मेरी अंतिम वेग क्या होगी। भिलाई पहुँच गया हूँ तो मेरी अंतिम वेग क्या होगी, नहीं बात करेंगे भाई आपसे, कौन हो तो बताइए मेरी अंतिम वेग क्या होगी, बताओ। अगर मैं आ गया हूँ भिलाई, भिलाई में मैंने ब्रेक लगा दिया, मैं भिलाई में ब्रेक लगा दिया, रुक गया मैं एकदम रुक गया, भिलाई में रुक गया, तो मेरा वेग क्या होगा बताओ। सुमन, मुनिका, रहिराज, कोमल सिंह, नेताम, सब एक ने बता रहा है जीरो, बिल्कुल सही बात है। मैं ब्रेक लगा दिया हूँ, खड़ा हो गया हूँ, कहाँ वेग जी, मैं चुपचाप हूँ, मैं ब्रेक लगा दिया हूँ, चुपचाप हो गया हूँ, कहीं आ जा नहीं रहा हूँ, तो मेरा वेग क्या होगा जीरो। जब स्टार्ट किया तो भी मैं जीरो में था, रुक गया हूँ तो भी जीरो में, जन्म लिया हूँ तो भी जीरो से, मर गया हूँ तो भी जीरो में। तो शुरुआत वेग, प्रारंभिक वेग तो भी जीरो, अंतिम वेग तो भी क्या हो जाएगा जीरो, शुरुआत वेग तो भी जीरो, अंतिम वेग तो भी जीरो। अब आते हैं बड़ा जबरदस्त, जो लोगों को परेशान करता है वो है त्वरण। क्या है त्वरण? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन त्वरण क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन त्वरण, एक्सीलरेशन त्वरण, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन त्वरण। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, मान लेते हैं मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अच्छा आप लोग वो जानते हो एक्सीलरेशन, एक्सीलेटर, गाड़ी के एक्सीलेटर, एक्सीलेटर जानते हो, गाड़ी के एक्सीलेटर, एक्सीलेटर जो चलाते हैं बाइक गाड़ी चलाते हैं, एक्सीलेटर गाड़ी का जो एक्सीलेटर होता है ना वो वेग वाला होता है, वेग वाला नहीं होता है जी, उसमें स्पीड बढ़ाते हैं जी, ऐसे ऐसे बढ़ा देते हैं, तो वेग जो होता है ना उसको देखना, कभी आप कम करते हो कभी बढ़ाते हो, कभी कम करते हो कभी बढ़ाते हो, जहाँ ट्रैफिक आता है कम कर देते हो, जहाँ खाली देता बढ़ा देते हो। एक्सीलेशन है वो, एक्सीलेटर है वो, त्वरण है वो, अपने वेग में परिवर्तन कर रहे हो समय के साथ। तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो त्वरण जो होता है, त्वरण जो होता है दोस्तों वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग, वेग बढ़ा रहे हो, कम ज्यादा बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, एक्सीलेटर से बढ़ा घटा रहे हो, एक्सीलेटर से बढ़ा घटा रहे हो, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं, त्वरण, त्वरण। एक बात याद रखना, फिजिक्स में कभी भी दर आ जाए उसका मतलब याद रखना बटे टी, फिजिक्स में कभी भी दर आ जाए आप समझ जाना बटे टी, फिजिक्स में कभी भी दर आ जाए तो आप याद रखना बटे टी। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर क्या होता है, कार्य करने की दर आगे चलकर पढ़ोगे पी बराबर डब्ल्यू बाई टी है ना, तो दर मतलब बटे टी। इसमें भी देखो आप खैर एकांक का मतलब भी होता है बटे में, एकांक का मतलब भी बटे होता है, ठीक है, हम लोग इसमें पढ़ते हैं दर को पढ़ते हैं, दर, दर कार्य करने की क्षमता अलग है, कार्य करने की दर अलग है, कार्य करने की क्षमता अलग है, कार्य करने की दर अलग है। मैंने पूछा कार्य करने की दर, हाँ भैया यहीं पे कुछ कुछ गलत हो रहा है, कार्य करने की दर अलग होता है, कार्य करने की क्षमता अलग होता है। पढ़ेंगे आगे कार्य करना W, वर्क भी दर W by T, हाँ पावर, पावर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कार्य करने की क्षमता तो एनर्जी है, ऊर्जा है, ठीक,
चलो इसमें आते हैं, इसमें आते हैं। तो याद रखना, कभी भी दर आ जाए, कभी भी दर आ जाए तो क्या लेना है, बटे टी। क्या ले लेंगे, बटे टी। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। मतलब आप क्या बोल सकते हो, बटे टी। और क्या लिखेंगे, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर। मैंने बोला ना बटे टी लेना है, समय लेना है। यही क्या है, त्वरण है। यही क्या है, त्वरण है। यही क्या है दोस्तों, त्वरण है। आप मेरे को एनालिसिस करते हुए एक आदमी बैठा हुआ है, आपको देखते हुए एक आदमी बैठा हुआ है, आपको देखते हुए एक आदमी बैठा है। आप गाड़ी चलाते हुए यहाँ पे आ रहे हो, आप गाड़ी चलाते हुए यहाँ से यहाँ आ रहे हो। आप हालांकि गाड़ी चलाते हुए इधर से आ रहे हो, आप अपने घर से निकले हो, आप अपने घर से निकले हो, है ना, और आप दूसरे घर जा रहे हो। आप घर से निकलकर, इस घर से निकलकर दूसरे घर जा रहे हो, आपको कोई देख रहा है, यहाँ पे आपको कोई देख रहा है। वो देख ये रहा है कि वो देखो, घर से निकलते हुए नहीं देखा वो, ये जो व्यक्ति है वो घर से निकलते आपको नहीं देखा, लेकिन आपको यहाँ से देखना चालू किया। ये जो मैं लगा रहा हूँ येलो कलर का, वहाँ से देखना चालू किया। वो बोलेगा, ये मेरे जब गाड़ी चली से है एक स्पीड 20 के ही से, और जब ये मेरे इस खाली रोड में एक स्पीड 50 हो गए, वो बोलेगा कि यहाँ पास थी तो यहाँ पास उसकी गाड़ी 20 की स्पीड से। अब मत बोला सर जीरो की स्पीड तो रहता है क्या, आप तो अभी जीरो बताए। अरे जीरो घर से निकला तब था ना। ये बालक जो है यहाँ पे बैठ के देख रहा है, किसी लड़की को देख रहा होगा, और किसको देखेगा, तो ये किसी लड़की को देख रहा होगा, तो देखा है कि इसका जो है 20 की स्पीड है, और उसके बाद यहाँ पे आया तो उस लड़की को स्पीड 50 हो गया, उसको फिर इधर आप उसको दिखेगा ही नहीं, है ना। तो क्या बोलेगा, अरे बाप रे, मैं देखे हूँ तब से वो 30 किलोमीटर बढ़ा दी अपनी स्पीड ला। भाई उसका स्पीड यहाँ पे कितना था, उसकी स्पीड 20 था, उसको देखा नहीं था, लेकिन 20 को एनालिसिस किया और उसको अंतिम तक देखते देखते 50 में था। जब वो आया तब उसके पास 20 रुपया था, अब उसके पास अब देख रहा हूँ 50 रुपया है। वो जीरो शुरुआत किया उसको जानता ही नहीं है, वो जीरो से शुरुआत किया उसके पास जानते ही नहीं है। वो तो उसको तब से जानता है जब उसके पास 20 रुपया था, उसके पास जब जब लास्ट में देखा तब 50 रुपया था। उनको देखते देखते में वो कितने रुपये बढ़ा लिया, 30 रुपया। उनको देखते देखते में कितना उसका वेग स्पीड बढ़ा लिया, 30, वो भी कितना सेकंड में, मात्र एक सेकंड में। तो इसका त्वरण, एक्सीलेटर की बात करेंगे तो 20 और 50 में मतलब 30, 30 बटे एक, इसी को बोलते हैं त्वरण, एक्सीलेटर, वेग में परिवर्तन। बाद में जो देखा है, बाद में देखा है, अंतिम में देखा है, वो v है। शुरू में देखा था वो u है। मतलब वेग में परिवर्तन मतलब v माइनस यू बटे टी। ये काम का बहुत बड़ा काम का चीज है, ये बहुत बड़ा काम का चीज है, ये बहुत बड़ा काम का चीज है। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। मेरी स्पीड अभी 40 की है, परसों मेरी स्पीड 80 की हो जाएगी 5 सेकंड में। अभी मेरी स्पीड 40 की है, परसों मेरी स्पीड 80 की है 5 सेकंड में। मैं कितना बढ़ा हूँ, मैं तो 40 ही बढ़ा हूँ। मेरा था शुरू में 40, अब हो गया 80, कितना बढ़ा हूँ, 40 बढ़ा हूँ, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। मेरी स्पीड थी पहले 100, अब हो गया है 110। मेरी स्पीड थी 100, हो गया है 110, कितना सेकंड में, एक सेकंड में। तो क्या है, 110 में से 100 हमारे देखते देखते में ही 10 ही बस बढ़ा है, 10 बस, और एक सेकंड में। जिस व्यक्ति को कभी जिंदगी में फिजिक्स नहीं पढ़ा होगा उनको भी समझ में आ गया होगा ये। जिन लोगों ने कभी जिंदगी में फिजिक्स नहीं पढ़ा होगा, अब फिजिक्स तो सब पढ़े हैं तभी आए हुए हैं यहाँ पे, है ना, साइंस वाले हैं, बट जिनको भी आइडिया नहीं होगा उनको भी समझ में आ गया होगा। सिंपल सा बात मैंने आपको बताया, वेग में परिवर्तन की दर बटे समय को ही क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। अब इसकी मात्रक की बात करेंगे, इसकी मात्रक की थोड़ा बात कर लेते हैं। इनकी जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मात्रक में बड़े लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, इनके मात्रक में बड़ा कन्फ्यूज जाता है। वेग में परिवर्तन, वेग एक बार और सर जी, अरे बाबा रे, मेरे को लग रहा है कि सबको समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक बार और चल रहा है। देखिए मैं शुरुआत किया हूँगा, मैं अपना क्लास शुरू किया हूँगा आज, मैंने आज क्लास शुरू किया हुआ हूँगा अपने जीरो सेकंड से। मतलब शुरू किया हूँ तो मेरा एक भी सेकंड नहीं हुआ था क्लास शुरू हुआ। आप में से कोई एक व्यक्ति है जिनका जो है टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से वो 5 मिनट बाद क्लास आए, 5 मिनट बाद क्लास आए। एक कोई आप में से कोई एक व्यक्ति होगा जो 5 मिनट बाद क्लास ज्वाइन किया, और वो क्लास में 15 मिनट तक, जब तक क्लास 15 मिनट मतलब शुरू से लेके 15 मिनट तक वो क्लास में रहा है। 5 मिनट क्लास हुआ तब वो आए,
और 15 मिनट तक मेरा क्लास हुआ शुरू से लेके ना शुरू से लेके तब तक रुके, तो मेरे क्लास में बाकी लोग जो शुरू से मेरे साथ हैं वो लोग तो 15 सेकंड पढ़े हैं, लेकिन जो 5 सेकंड बाद आया वो कितना सेकंड पढ़े, वो पढ़ा 15-5 मतलब 10 ही सेकंड पढ़ा, वो कितना सेकंड पढ़ा 10 ही सेकंड पढ़ा, कितना सेकंड पढ़ा 10 सेकंड पढ़ा। यही आपका क्या है, आपके पास बोएंगे वेग में परिवर्तन है, इसका मात्रा क्या होगा, वेग में से वेग घटा दो, 5 लड़का में 3 लड़की घटा दो, 2 लड़की, 5 आलू में 1 आलू घटा दो, 4 आलू, 5 रुपए में से 2 रुपए दे दो, 3 रुपए, वेग में से वेग घटा दो वेग ही होगा, वेग में से वेग घटा दो वेग ही होगा, वेग में से वेग घटा दो वेग ही होगा। वेग में का फॉर्मूला होता है, या वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, वेग का होता है मीटर पर सेकंड, और समय का भी और सेकंड, 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 सेकंड समय का और सेकंड अगर हम बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड 22 सेकंड, मतलब मीटर प्रति सेकंड पूरे के बटे गुना। आपको पता होगा कि एक साथ एक म्यान में 2 तलवार हो नहीं सकता, यहाँ तो 2-2 ठो बटे हैं, तो 2-2 ठो बटे हैं, तो ये मेन बटे यहाँ से डिवाइड हो रहा है, यहाँ से जी ये वेग में परिवर्तन बटे समय से, ये 1/s इस तरीके से बोल सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका जो त्वरण है वो मात्रा हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 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 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलो तो आप मेरे को क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे को आप बताइएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इतना लिख लिए होंगे, इतना लिख लिए होंगे। त्वरण का अगर हम मात्रक की बात करेंगे, त्वरण का मात्रक की बात करेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलो आप लोग इसका विमाएँ बताओ यार, विमाएँ बताओ, चलो आप लोग भी कुछ बताओ, आप लोग इसकी विमाएँ बताओ, आप लोग इसकी विमाएँ बताओ, आप लोग इसकी विमाएँ बता दो, आप लोग इसकी विमाएँ बता दो, चलो आप लोग इसकी विमाएँ बता दो, आप लोग जो है इसकी विमाएँ बता दो, फटाफट इसकी विमाएँ बता दो, आप लोग इसकी विमाएँ बता दो। इसकी विमाएँ बता दो, कोमल LT-2 MLT-2, कोमल M लगेगा, प्रिया मैम M लगेगा, भारती M लगेगा, एलोन वेदियर M लगेगा, हाँ अब ठीक है कोमल M नॉट, पाँच सेकंड से 15 बढ़ाया तो 5 सेकंड का अंतर है बताए वेलोसिटी में, 10 सेकंड होगा ना जी, 5 से 15 में 10 होगा, LT-2, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, LT-2 ठीक है, LT-2 ठीक। तो मीटर का आपको पता है दूरी है मतलब आपका लेंथ हो गया, सेकंड मतलब समय है, समय का टाइम हो गया टी स्क्वायर, तो आप इसको ऊपर में क्या लिख सकते हैं LT-2, एक तो ये लिख सकते हैं, कभी कभी जो है एम को भी लिखने बोल देता है तो एम नॉट LT-2 भी लिख सकते हो, तो ये इसकी क्या हो जाएगी मात्रक हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी सॉरी विमाएँ हो जाएगी, क्या हो जाएगी विमाएँ हो जाएगी। अच्छा कभी कभी क्या हर बार आदमी बढ़ता है, क्या आदमी हर बार बढ़ता है, नहीं, अगर बढ़ता है तो उसको त्वरण बोलते हैं, हर बार आदमी बढ़ता नहीं है, अगर बढ़ता है तो उसको त्वरण बोलते हैं, कई बार क्या होता है आदमी घट जाता है, कई बार आदमी जो है घट जाता है, जैसे अब मैं चलने वाला रहूंगा तो मैं बढ़ूंगा, हो सकता है मैं अपने घर वापस आ रहा हूँ तो मेरी स्पीड 10 था, अब मैं धीरे धीरे स्लो करूंगा और कम करूंगा, मेरी स्पीड 10 था, मेरी स्पीड अब देखे हुए कोई प्रेक्षण कर रहा है तो 2 में पहुंच गया, क्योंकि मैं एकदम घर के करीब पहुंच गया हूं। फॉर्मूला जो बोलता है त्वरण का, वेग में परिवर्तन होता है, तो मेरा अंतिम वेग 10 नहीं है 2 है, मेरे को कोई नजर रख रहा है तो मैं जब मेरे को जब से नजर रखा है तब मेरा 10 था, और लास्ट तक मेरा नजर रखते हुए तक लास्ट तक मैं स्लो होके 2 हो गया हूँ, तो मेरे को जब लास्ट में नजर डाला गया वो तो 2 था, शुरू में नजर डाला गया तो 10 हो गया, मान लेते हैं 2 सेकंड है ना, मैंने ऐसे ही लिया उदाहरण के तौर पर,
यहाँ पे चिन्ह जो है असमान है तो घटेगा, -8/2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इस दौरान मेरी स्पीड बढ़ नहीं रही है, घट रही है, तो देखने में भी समझ में आ रहा है 10 था अब 2 हो गया, घट रहा है, उसको मंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? मंदन। त्वरण मंदन एक ही है, बढ़ते में रहेगा तो त्वरण है, घटते में रहेंगे तो मंदन है। बढ़ते में रहेंगे तो त्वरण है, घटते में रहेंगे तो मंदन है। बढ़ते में रहेंगे तो मंदन है और घटते में रहेंगे तो त्वरण है, घटते हैं तो ठीक है। प्रति सेकंड वेग जो है वो आपका जो है मंदन कहलाता है। अब कुछ क्वेश्चन फटाफट आप बनाएंगे, अब कुछ क्वेश्चन जो है अब हम बनाएंगे, जल्दी इसको लिख लीजिए, अब जो है वो हम बनाएंगे, ठीक है, ठीक, अब हम बनाएंगे। अच्छा, आप लोगों ने इसको लिख लिए होंगे, आप लोगों ने कभी रेलगाड़ी वाला पेपर प्रश्न पढ़े हैं आप लोगों ने? मैथ्स में रेलगाड़ी हो चाहे समय दूरी हो, उसमें एक यूनिट आता है किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए। मैं इसको इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसका यूज़ होगा, तो आप डायरेक्ट आपको करना पड़ेगा। तो ये जानकारी आपको है क्या अलग से पहले से कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं? अगर आपको ये नहीं पता है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बता दूंगा। अगर आपको पता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या होता है कि कभी कभी जानते तो हो यूनिट का कहानी चेंज करना पड़ जाता है, तो किलोमीटर के साथ जोड़ी बनता है आवर का, मीटर का जो बनता है सेकंड का, कभी कभी क्या होता है किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड के साथ बदलना पड़ जाता है। तो एक किलोमीटर में मीटर लाना पड़ेगा, तो एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है एक किलोमीटर। जैसे मैं 1 किलोमीटर को मीटर बना रहा हूँ, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया, 1 घंटे को सेकंड बना रहा हूँ, 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। आपको पता होना चाहिए 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, 60 सेकंड नहीं होता, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। पांचवी माया था हमारे, 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया, 1 घंटे में 3600 सेकंड हो गया, 0 0 2 5 10 और 2 18 36। इस तरीके से याद रखिएगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, और इसी के जस्ट उल्टा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। तो ये एटलीस्ट जानकारी इस वजह से भी रख लो, है ना, हाँ, इस ये जानकारी आप इस वजह से भी आप रख लीजिए ताकि अभी हम न्यूमेरिकल बनाए हैं तो जरूरत पड़ जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाते हैं सीधा सीधा, मतलब आपको यूनिट को देखना भी पड़ता है ना, किलोमीटर रेलगाड़ी वेलगाड़ी वाला पेपर जब आप पढ़ते होंगे, जब आप मैथ्स पढ़ते होंगे तो ये चीज़ें हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5। चलो अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, बाकी आप लोगों ने सबने तो आपने बता दिया तो फिर तकलीफ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब सीधा क्वेश्चन लिखते हैं, तो लिखिए क्वेश्चन। एक कार की चाल, अब सब लोग बनाना ना, एक क्वेश्चन लिखिए, एक कार की चाल 5 सेकंड में 42 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड से 5 सेकंड में एक कार की चाल 5 सेकंड में 42 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 70 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। चलो बनाओ, सब लोग बनाइए। त्वरण ज्ञात कीजिए। शिवराज भैया 7, जय साई 7, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रिया देशमुख 7, प्रीति साहू 7, भारती चक्रधारी 7, कोमल सिंह नेताम 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या उसको माइनस में लिखे गए ऊपर में, एलोन वेरियर 7, योगिता 7, दामिनी मैम 7, दामिनी मैम 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगेगा ना, तजेंद्र कुमार 7, रही राज निषाद 7, मनीष पटेल 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सुनील साहू 7, पूनम 7, पुष्पा यादव 7,
पूनम सात, मोनिका सात, ठीक है, तो सबका सात आया हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो आपने देखे होंगे ना त्वरण बराबर होता है, हमने पढ़ा ही हुआ है त्वरण बराबर, बाकी ठीक है स्वाति चंद्रा 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस प्रथम वेग बटे टी। अंतिम वेग जब देखा गया तब ये देखा गया कि 42 से बढ़ाकर 77 कर दिया, तो बाद में देखे तो 77 था, पहले देखे तो 42 था, और ये सारा चीज जो हुआ है वो 5 सेकंड में हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा 5 और 35 बटे 5, 5 × 35। त्वरण का जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चलो एक और क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए। जिनसे नहीं बना है थोड़ा समझिए, देखिए, कोशिश करिए कि आप भी बना पाओ। अगर आप बायोलॉजी वाले हैं तो भी इतना मत सोचना है। देखो बायोलॉजी वाले हैं तो आप अपने से मत सोचो कि भाई मेरे से नहीं बनेगा। अगर जिनका भी, ऐसा नहीं बोलो कि हर बायोलॉजी वाले से ऐसे होता है, कुछ लोगों के माइंड सेट में ही रहता है कि हमसे नहीं बनेगा, न्यूमेरिकल मतलब छोड़ देना है, न्यूमेरिकल मतलब छोड़ देंगे, ऐसा मत सोचो। कोशिश करो आप भी, बन जाएगा। हर कोई नहीं होते, बट कुछ लोग के दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि हमसे नहीं बनेगा यार, कोशिश तो करो। एक क्वेश्चन लिखिए, एक स्कूटी की चाल 9 सेकंड में, बानवे मीटर पर सेकंड से घटकर 92 है ना जी, 92 मीटर पर सेकंड से घटकर 11 मीटर पर सेकंड रह जाती हैं। तो त्वरण या मंदन ज्ञात कीजिए। त्वरण हो चाहे त्वरण बात करो, मंदन है तो मंदन ज्ञात करो, मंदन ज्ञात कीजिए। त्वरण है तो त्वरण ज्ञात करो, मंदन है तो मंदन ज्ञात करो। क्लास कब स्टार्ट हुआ? मैं लेट ज्वाइन हुआ लगता है, नोटिफिकेशन तो सबके में आए हैं। शिवराज -9, प्रिया देशमुख 9, जैसा ही 9, एलोन वजर -9, कोमल सिंह नेता -9, दामिनी मैम 9। भारती चक्रधारी 9। आकांक्षा मैम -9। चलिए देखिए -9 अगर आपसे बोल रहे हैं तो मंदन बताने की जरूरत नहीं, और अगर 9 बोल रहे हैं तो आपको मंदन बताना जरूरी है, ठीक है, ये बात को आपको जानना है। तो हमारा फॉर्मूला जो है वो हम यूज़ कर लेंगे। हमको पता है कि त्वरण या मंदन का जो फॉर्मूला होता है, चाहे त्वरण निकालो चाहे मंदन निकालो, उसका जो फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग पहले था वो 92 था, आगे बढ़कर जो है वो 11 हो गया, पहले जो है वो 92 था वो आगे बढ़कर 11 हो गया, लास्ट टर्म हुआ है 11, शुरू में था 92, बटे समय जो रहा है वो 9 सेकंड में। घटा देंगे तो 2 में से 1 और 9 में से 1 8, -81/9, 9 * 81 मतलब -9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्लियर मतलब है कि वो धीरे हो गया, मतलब मंदन हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक कार जिसकी चाल 60 मीटर पर सेकंड थी, जिसे ब्रेक लगाकर 5 सेकंड में रोक दिया जाता है। तो त्वरण या मंदन ज्ञात कीजिए।
त्वरण या मंदन ज्ञात कीजिए, त्वरण या मंदन ज्ञात कीजिए। सुमन मंदन 9, चंद्रकला -9। शिवराज जैसा -12, क्यूमल -12, शिवराज -12, एरोन वेरियर -12, भारतीय चक्रधारी -12। बताते चलो प्रिया देशमुख -12, योगिता मंदन 12, रहीराज 12 मंदन, पुष्पा यादव -12, दामिनी मैम -12। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, एक कार जिसकी चाल 60 मीटर पर सेकंड थी, जिसे ब्रेक लगाकर, मतलब शुरुआत में देखा गया तब उसकी स्पीड जो है वो 60 मीटर पर सेकंड थी, और ब्रेक लगाकर 5 सेकंड में रोक दिया गया। ब्रेक लगा कर रोक दिया मतलब जब देखा गया तो पाया गया ब्रेक लग गया है, मतलब उसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड है। तो उसका त्वरण या मंदन ज्ञात कीजिए। हम सबको पता भी है त्वरण या मंदन का जो फॉर्मूला होता है वो वेग में परिवर्तन की दर होता है। v मतलब आप देखेंगे तो 0 है, u आप देखेंगे तो 60 है, और समय आपके पास जो है वो दिख रहा है वो 5 सेकंड में, तो आपके पास यहाँ हो गया 5 -60/5 मतलब 12 -12 मंदन हो रहा है -12 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। तो यहाँ तक भी हो गया, उम्मीद करते हैं कि सबका हो गया होगा, सबका बन गया। बिल्कुल सचिन भैया सबका सही है, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। अच्छा एक बात और लिख लीजिए, जो गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं, क्योंकि नीचे से कोई वस्तु, देखो अभी तक हमने जो बात किया वो ऐसे प्लेन सीधा चीज में बात किया, आ रही है जा रही है ऐसा वैसा, लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी होती है जिसको हम लोग पत्थर से या कोई चीज से ऊपर फेंकते हैं और नीचे आती है, तो जहां ऊपर फेंकने और नीचे वाली बात आ जाती है तो वहां पे त्वरण नॉर्मल नहीं लगता है, वहां पे जो त्वरण लगता है वो गुरुत्वीय त्वरण लगता है। क्या लगता है? गुरुत्वीय त्वरण। और इसकी जिसकी वैल्यू जो है हम लोग सीधा सीधा क्या लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो लेते हैं, कभी कभी तो हम लोग इसको 10 भी ले लेते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो वैल्यू होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, एक बात याद रखिएगा। अच्छा एक और बात याद रखिएगा, जब वस्तु नीचे गिर रही होती है, ध्यान रखिए इस बात को, जब वस्तु नीचे गिर रही होती है तो वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे गिर रही होती है, और वो अपोजिट काम नहीं कर रहा है, नीचे गिर रहा है मतलब उसके काम कर रही है, तो समझ जाना आपको पॉजिटिव लेना है। आपको क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण के अपोजिट नहीं जा रहा है वो, क्योंकि आपको पता है गुरुत्वाकर्षण ही उसको नीचे खींचता है, और वो भी नीचे आ ही रहा है तो पॉजिटिव है। कोई आदमी आपको खींच रहा है और तुम भी उधर आ रहे हो तो पॉजिटिव है, कोई आदमी आपको खींच रहा है और तुम नहीं आना चाह रहे हो, तुम उधर जा रहे हो, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, वो अलग है। अब वो वाला नहीं बोल रहा ना, आकर्षण वाला, नहीं तो विपरीत में आकर्षण होता है वैसे मत बोल देना, ठीक है। मैं वैसा वाला नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इधर ही आ रहा है मतलब पॉजिटिव में है, मैं बुला रहा हूँ उधर जा रहा है तो निगेटिव में है। सर जीरो माइनस कोई घटाने से जीरो होता है जो, सर मेरे को ऐसा बताए कोई। भाई कौन सा गांव यार, कहाँ कर रहे हो तुम लोग? सर जीरो माइनस लिखा हुआ, जीरो माइनस से कोई घटाने पे जीरो होता है। हाँ क्या बोल रहे हो, क्या क्वेश्चन है यार? जीरो माइनस, अरे जीरो माइनस से कुछ घटाते हैं तो जीरो नहीं होता, वो खुद होता है। अरे भैया सचिन, जीरो माइनस 60 करेंगे तो -60 आएगा, तोर पास एको पैसा नहीं, 60 रुपये और उधार ही ले लेस, आखिरकार तो उधारे वाले हस -60। जीरो होते ना तो मैं तो रोज उधार लेता, अगर जीरो में से कुछ चीज़ को घटाने से, जीरो में से किसी चीज़ को घटाने से जीरो छोता, मैं रोज उधार लेता, हर घंटा उधार लेता। जीरो में से किसी चीज को घटाने पर अगर जीरो मिलता, जैसे वो सचिन बोल रहे हैं, तो फिर उधार ही उधार। फिर
तो जीरो में से घटाना है तो फिर कैसे आ सकता है? आगे बढ़ते हैं। ठीक, अच्छा मैं क्या लिख रहा था, यहाँ पे कुछ लिख रहा था सर, कहाँ चला गया भाई। हाँ ये है, जब वस्तु नीचे गिर रही होती है तो आप उसके प्रभाव में जा रहे हो तो आप पॉजिटिव में हैं, लेकिन जब वस्तु जो ऊपर जा रही है, जब वस्तु ऊपर जा रही है तो आपको आप समझ जाना कि आप जो है उनसे निगेटिव में हैं, आप उनसे निगेटिव में हैं, आप क्या हो निगेटिव में, क्या है निगेटिव में। तो एक क्वेश्चन लिखे, तो एक क्वेश्चन लिख रहे, तो एक क्वेश्चन लिखे, लिख लिए क्वेश्चन, लिखे मीनार से गिर रहा है पत्थर, लिखे क्वेश्चन लिखे मीनार से गिर रहा है पत्थर, क्वेश्चन लिखे मीनार से गिर रहा है पत्थर, मीनार से गिर रहा एक पत्थर, मीनार से गिर रहा एक पत्थर का वेग, का वेग पत्थर का वेग 5 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद क्या होगा, 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 मीनार से गिर रहा एक पत्थर का वेग 5 सेकंड बाद क्या होगा। मीनार से गिरा एक पत्थर का वेग 5 सेकंड बाद क्या होगा, शिवराज 50, आराम से बनाइए, आराम से बनाइए। शिवराज 50, बाकी लोग कभी देखो, कोमल सिंह नेताम 49, मीनार से गिर रहा है पत्थर 5 सेकंड बाद क्या होगा, एलोन वेरियर -4 -49, शिवराज 10 लेने पर, ठीक है ठीक है, जिसका 10 है जिसका, ठीक है ठीक है, आपका भी ठीक है, माइनस 9.8 ले वो आप, चलिए देखिए जिनको समझ में नहीं आया वो लोग टेंशन ना लो, मैं बता देता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए ये आपको पता है मीनार है, एक लंबा मीनार है, मीनार से एक पत्थर जो है उसको गिराया जा रहा है, जब मीनार से जब पत्थर गिराया रहा होगा तो जब मीनार से जब पत्थर नहीं गिरा होगा उस दौरान तो जीरो था, मीनार से जब पत्थर नहीं गिरा होगा जब से इसको गिराना शुरू किया होगा, तो देखो जब से गिराना शुरू किया हुआ है तो वो तो जीरो था, शुरू में जीरो था, बोले जीरो उसको फिर फेंक दिया, बोल दिया 5 सेकंड बाद क्या होगा, जब शुरू किया होगा गिराना तब तो जीरो था, 5 सेकंड बाद क्या होगा, मतलब आपको बाद का वेग पूछ रहे हैं, आपको क्या वेग होगा, समय दे दिया है कि वो आपका होगा 5 सेकंड बाद, बोलोगे सर निकालना क्या है, 5 सेकंड बाद पत्थर का वेग, ये बोल रहे हैं पत्थर का वेग मतलब वी निकालना है, 5 सेकंड बाद मतलब बाद का पूछ रहे, बाद का मतलब प्रारंभिक वेग पूछ रहे हैं कि बाद का वेग या अंतिम वेग पूछ रहे हैं, अंतिम वेग खुद लिखा है ना, 5 सेकंड बाद क्या होगा, 5 सेकंड बाद मतलब प्रारंभिक वेग नहीं बाद का वेग अंतिम वेग, और शुरू में क्या था, जब किसी पत्थर को आप नीचे गिराने के लिए करोगे जब तक वो गिरा नहीं है तब आप छोड़ोगे, देखो अब मैं मोबाइल को छोड़ रहा हूँ, मान लो मोबाइल को छोड़ नहीं छोड़ूंगा लेकिन ना छोड़ूंगा तो अभी जीरो है, अब फिर वो घिसेगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि त्वरण या मंदन का जो फॉर्मूला होता है वे वेग में परिवर्तन बटे समय होता है, और आपको ये भी पता है कि जो कि ये नीचे गिरा रहा है कोई चीज मतलब गुरुत्वाकर्षण करेगा तो ये 9.8 होगा, आपके आंसर कह लो कि 49 कुछ लोग के जीरो है, 9.8 होगा, वी जो है वी वी निकालना है, यू जो है यू जीरो होगा, और समय आपके पास है नाइन, समय आपके पास कितना है 5 सेकंड, समय आपके पास है 5 सेकंड, बस हो गया, वी माइनस जीरो और 5 8 40, 5 9 45, 4 49, वी माइनस जीरो का मतलब हो गया वी, मतलब आपका क्या हो जाएगा 49,
मीटर पर सेकंड। अगर 50 आपने 9.8 कैसे आया, 9.8 कैसे आया, 9.8 गुरुत्वीय त्वरण त्वरण लगा रहे हैं। देखो यहाँ पे कोई किस स्पीड से कोई चीज को आप फेंको, आप कोई भी चीज को आप फेंको 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से ही नीचे आएगा, क्यों खींच रहा है उसको, और खींच रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर 9.8 होता है। थोड़ा देर पहले मैंने शायद बताया था कि जो जी जो होता है गुरुत्वीय त्वरण, वो जी बराबर 9.8 लेना है। ऐसे गाड़ी जाता है उसका त्वरण अलग होता है, हमारी गाड़ी हम अपने पेट्रोल हमारे एक्सेलेरेटर के स्पीड से चलते हैं, लेकिन वो जो आता है ना वो गुरुत्वाकर्षण त्वरण के कहता है, उसमें पेट्रोल वेट्रोल कुछ नहीं लगता, वो अपने ओर ही खींच लेता है, वो पेट्रोल वेट्रोल कुछ लेता वो अपने खींच लेता है, उसका 9.8 है रहता है, उसका कितना रहता है 9.8 रहता है। तो देखो 9.8 ले लिया। लास्ट क्वेश्चन आज का लिखते हैं ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन क्योंकि आगे भी क्लास है। लिखिए, एक वस्तु को एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं तो छः सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा, छः सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा। यहाँ पे जी आप 10 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, जी 10 मान लोगे तो भी चलेंगे। 9.8 कैसे आया, 9.8 उसी गुरुत्वीय त्वरण है इस वजह से आया, बाकी आप 9.8 भी बना लो तो भी मतलब एक ही है, 10 ले लो तो भी वही है, 10 ले लो यार ज़्यादा अच्छा रहेगा, 10 ले लो। हाँ कल छुट्टी रहेगा सचिन, एलॉन वॉरियर 6 कोमल 48.8 प्रिया देशमुख 6 देखिए आकांक्षा मैम 6 देखिए आपको क्या बोल रहे हैं, एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकते ऊपर फेंक रहे हैं। हमको पता है कि ग्रेविटेशन वाला जो फॉर्मूला होता है या त्वरण वाला जो फॉर्मूला होता है, ग्रेविटेशन हो चाहे ऐसी एक्सेलरेशन हो, वो होता है वी माइनस यू बाई टी। बोलता है कि शुरू में जो मैं फेंक रहा हूं वो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक रहा हूं, 6 सेकंड बाद वो कहां आएगा क्या होगा वो आप जानो बोल रहे हैं, 6 सेकंड बाद वो क्या होगा वो आप जानो, समय में तो लगाऊंगा 6 सेकंड बोला, 6 सेकंड बाद तो समय तो मैं लगाऊंगा 6 सेकंड, फेंक रहा हूं शुरू में मैं 10 की स्पीड से, शुरू मेरी वेग है 10 की स्पीड से, क्या होगा बाद में बोलता है नहीं मालूम, क्या होगा बाद में बोलता है नहीं मालूम, क्या होगा बाद में नहीं मालूम। जी की बात आते हैं तो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था अगर आपका वस्तु नीचे गिर रहा है तो पॉजिटिव लेना है, ऊपर जा रहा है तो माइनस में लेना है, नीचे गिर रहा है तो पॉजिटिव लेना, ऊपर जा रहा है तो निगेटिव लेना। आप बताओ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, आप बताओ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, यही वाला क्वेश्चन है ना, आप बताओ ये कौन सा वाला क्वेश्चन है जी, ये वाला क्वेश्चन, आप बताओ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब गुरुत्वाकर्षण से उल्टा जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण कोई चीज को नीचे फेंकता है, नीचे करोगे तो वो गुरुत्वाकर्षण के साथ जाएगा मतलब पॉजिटिव, लेकिन तुम ऊपर लेके जा रहे हो मतलब गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रहे हो तो माइनस करोगे, माइनस 10 कर लो। जिन्होंने माइनस 9.8 करके बनाया होगा उसका भी सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, तीरा गुना करेंगे, वो डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, वी माइनस 10 बराबर माइनस 10 × 60, ये माइनस 10 उससे जाएगा तो हो जाएगा प्लस 10, और ये चिन्ह असमान है तो घट जाएगा माइनस 50 मीटर पर सेकंड, ये लो आंसर।
जी -50 मीटर पर सेकंड। तो जिन्होंने जिन्होंने -50 आया है उनका बिल्कुल सही है, और अगर मान लो किसी कारणवश जिनका गड़बड़ आंसर आया है तो देख लीजिए आप, 70 भी अगर आ रहा है तो आंसर आपके गलत हो जाएगा क्योंकि माइनस में लेना है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आप। अच्छा, जिनका मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन्होंने 9.8 लेके बनाया है, जैसे कमल किसने किसने बनाया था ना, 9.8 से बनाए होंगे शायद उन्होंने, कोमल सिंह ने शायद, हो सके 9.8 से बनाए होंगे, तो 6 6 48 9 4 36 हाँ, तो उन्होंने माइन हम 9.8 से बनाए होंगे, तो उनका भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, कल आएंगे। अच्छा, कल नहीं है, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, ठीक, कल छुट्टी है, कल आपकी क्लास नहीं होगी। मैं इसका इतना बार बार जोर दे के बोल रहा हूँ क्योंकि आप में से कुछ लोग जो होते हैं वो लोग संयम वाले नहीं है, इतना तो क्लियर है, वो बार बार कर बोलते रहेंगे, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कल छुट्टी है। अच्छा, कल ऑफर का कल लास्ट डेट भी है, तो अगर आपको मेरा क्लास पसंद आ रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मेरा क्लास पसंद आ रहा है, ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड लोगों को जब भी बताओगे, जैसे बताओगे, उनको बता देना भैया कि कल ही लास्ट है, कोई डेट आगे नहीं बढ़ेगा ऑफर का। ठीक है, ये ऑफर बहुत 24 है, ये ऑफर जो है कल ही लास्ट है, कल लास्ट ऑफर का। ठीक है, 699 वाला जो ऑफर चल रहा है वो कल लास्ट है, फिर इसके बाद फिर इतना देखो कितना बढ़ जाएगा, 3999, और ये तो बढ़ाना भी जरूरी है, मालूम है क्यों, लंबा पढ़ाना है, एग्ज़ाम डेट का कोई अता पता नहीं है, आप सबको पता चल गया होगा कि अभी कुछ भी नहीं पता है। मैं डिवाइड कर दिया सर जल्दी, कल शिवरी नारायण मेला घूमने जाऊंगा मैं सर, मतलब आप शिवरी नारायण साइड के हो। ठीक है, चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।